सभी अध्यापक साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत सारे साथियों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि जो गूगल मीट का लिंक है वो कैसे क्रिएट करते हैं, इनके हम चाहें तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 घंटा पहले लिंक क्रिएट कर सकते हैं और बाद में उसको कोई भी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकता है। तो कहते हैं हम इंस्टेंट मीटिंग भी करेंगे और शेड्यूल मीटिंग भी करेंगे गूगल कैलेंडर के द्वारा, ठीक है। तो यदि आपके फ़ोन में गूगल कैलेंडर नहीं है तो सबसे पहले गूगल कैलेंडर को जो वो डाउनलोड कर लें आप, ठीक है। उसके बाद जो ये मीटिंग का लिंक है वो हम क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीट पे क्लिक करेंगे, यानी कि गूगल मीट पे। जैसे ही गूगल मीट पे क्लिक करेंगे ये सरफेस जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये आता है और हम न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, गेट अ मीटिंग लिंक टू शेयर, तो यहाँ से आपको एक लिंक प्राप्त हो जाएगा, आप उसको डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर जो टाइम है वो नहीं होगा, वो इंस्टेंट मीटिंग होगी। और स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग पे आप स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग पे क्लिक करेंगे, शेयर इनवाइट पे क्लिक करेंगे और इसको शेयर कर देंगे। आप व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे करना चाहते हैं, जहाँ भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिया हमने। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद हम सर्च करेंगे कि इसका जो क्लास का ग्रुप है उसका नाम क्या है, या जैसे मैं इसको अपने खुद के नंबर पर ही शेयर करना चाहूँगा, आप समझ लें कि वही इसका व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिंक जो है वो पेस्ट करके और उसको सेंड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ब्लू लाइन है हमें खुद उस पर ही क्लिक करना है। सबसे पहले तो इसको हम खुद ज्वाइन करेंगे, तभी हम औरों को ज्वाइन करा पाएंगे, क्योंकि हम इस मीटिंग के होस्ट हैं। जब हम ज्वाइन करेंगे तभी और बच्चे या जो अध्यापक साथी इनसे जुड़ना चाहते हैं तभी वो उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये है इसका प्रोसीजर। जो अभी हमने लिंक बनाया था अब हम उसको बच्चों के ग्रुप में शेयर करके दिखा रहे हैं आपको। जो गूगल का इंस्टेंट वाला लिंक था, अब हम इसको बच्चों के जो ग्रुप है उसमें, जैसे राइजिंग स्टार के नाम से है, इसको सेंड कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे सेंड करते हैं तो पहले हम खुद ज्वाइन करेंगे। तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया है। अभी बच्चों की रिक्वेस्ट यहाँ पर, अगर बच्चे ऑनलाइन हैं तो यहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट आएगी और हमें उसको अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है उसको, ठीक है। तो ये आ गई बच्चों की और हम इस पर एडमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही एडमिट पे क्लिक करेंगे तो बच्चा जो है वो यहाँ पर ज्वाइन हो गया है, ठीक है। और ज्वाइन होने के बाद हम यहाँ से बच्चों को बोल सकते हैं कि वो अपने जो वीडियो कैमरा का जो निशान दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पर, उस पर क्लिक करेंगे तो बच्चों की जो वीडियो है, ठीक है, वो उनका कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा और हम उनकी तस्वीर को यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे देखें, जो राइट साइड में हमारे 3 बिंदु है, यदि कोई बच्चा मान लो बोल रहा है तो हम उसका जो माइक है यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम बच्चों को म्यूट कर सकते हैं और किस तरह से उनको रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें और बने रहें हमारे साथ। अभी एक बच्चा ही हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, अभी दूसरे बच्चे भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरे बच्चे की रिक्वेस्ट आ गई है और वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुका है। अब हम इन 2 बच्चों के साथ ही वीडियो बनाते हैं। जैसे अब बच्चा यहाँ पर बोल रहा है तो जो बच्चा बोल रहा है उसी का जो आइकन है वो ब्लू होता जाएगा और स्पीकर का जो आप साइन देख रहे हैं राइट साइड में वो भी ऑन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि वो बच्चा जो है बोल रहा है। अब यहाँ पर देखें, बच्चों ने अपना जो वीडियो कैमरा है वो ऑन कर दिया है, ठीक है। तो हम जिस बच्चे को चाहें वहाँ से हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा बच्चा जुड़ गया है, क्लास का नहीं है, या जो बच्चा हमारे यहाँ मान लो ज़्यादा शोर कर रहा है क्लास के अंदर, तो हम उसका जो स्पीकर है कैसे म्यूट करेंगे वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो आपको यहाँ पर 3 बिंदियाँ दिखाई दे रही होगी, ठीक है। जिस बच्चे को आपने म्यूट करना है उसी के उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और म्यूट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे तो बच्चा जो है वो म्यूट हो जाएगा, ठीक है।
मान लो जैसे ऊपर बच्चा जो है उसको हमने म्यूट करना है, तो उसके राइट साइड में देखिए नीचे तीन बिंदियां हैं, ठीक है, तो उन तीन बिंदियों पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है, और म्यूट का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किस बच्चे को आप म्यूट करना चाहते हो, और उसको म्यूट कर दोगे तो वो बच्चे का जो स्पीकर है वहाँ से म्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जब हम तीन बिंदियों पर क्लिक करके जिस बच्चे को हमने रिमूव करना है तो उस पर क्लिक करके हम रिमूव के बटन पर क्लिक करेंगे तो वह बच्चा रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से म्यूट करना है तो आप म्यूट कर सकते हो, रिमूव करना चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हो। दिस इज द प्रोसीजर। अब हम करते हैं दूसरा तरीका, शेड्यूल्ड इन गूगल कैलेंडर। ये मैं आप सभी को अभी बताना चाह रहा हूँ कि गूगल कैलेंडर जो है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑलरेडी है तो उसको अपडेट कर लें, नहीं है तो इसको एक बार इंस्टॉल कर लें, क्योंकि गूगल कैलेंडर के द्वारा ही हम इस मीटिंग को है ना ऑपरेट कर पाएंगे। तो अब करते हैं शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। अगर वहाँ से मान लो आपको नहीं लिंक मिल रहा तो यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा कि डाउनलोड गूगल कैलेंडर, तो आप उसको पहले डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल होने के बाद फिर आप ओपन करेंगे। ओपन में देखेंगे यहाँ, जब उसको ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले ऊपर का जो ऑप्शन है वो है ऐड टाइटल। टाइटल पे क्लिक कर लेंगे हम यहाँ पर, कोई भी मान लो आपके क्लास का जो भी नाम है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लास फिफ्थ मैथ्स, ठीक है, चैप्टर वन। ये हमने इसका टाइटल जो है वो टाइटल बना दिया हमने। अब क्या करेंगे नीचे देखें, जैसे लिखा है सैटरडे 3 जुलाई 2021 4 PM, सैटरडे 3 जुलाई 2021 5 PM, यानी कि 4 बजे से लेकर शाम के और 5 बजे तक यह लिंक रहेगा। आप यहां पर इसकी टाइमिंग चेंज कर सकते हो, तो हम डेट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही डेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम इसको मान लो यहां पे कर देते हैं 5 तारीख, ठीक है, और ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 जुलाई का हो गया है लेकिन टाइम चेंज नहीं हुआ है। तो टाइम चेंज के लिए हम टाइम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ देखें जैसे 4 AM और PM दोनों दे रखा है, तो हम AM पे क्लिक करके और यहाँ पे कर देते हैं 10, ठीक है, तो या आप 10 बजकर जो भी 5 मिनट देना चाहे, 10 मिनट देना चाहे, तो उसके बाद आप यहाँ पर मिनट देंगे, लेकिन हमें पूरे 10 बजे का सेट करना है ये। और यहाँ से देखें मीटिंग का जो समय है लगभग 1 घंटा ये ऑटोमेटिक लेता है। आप चाहें तो इसको 10 से 11 या 10 से 12 जो भी आप टाइम देना चाहें वो टाइम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे जो बेल का आइकन बना हुआ है 30 मिनट्स बिफोर, तो आधे घंटे पहले ही आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि आपकी मीटिंग जो शुरू होने जा रही है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको कम करना है तो ऐड नोटिफिकेशन पे करेंगे और यहाँ पर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और 30 मिनट्स वाले को आप रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो दोनों भी रख सकते हैं, ये आपको 30 मिनट पहले भी बेल आइकन जो इसका बजेगा और आपको बताएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, और 10 मिनट के बाद भी आपको सेम प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहो, ये ऑप्शनल है कि याद करवाने के लिए, वैसे तो ऐसे ही याद आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे इसको, और आप देखेंगे कि गूगल कैलेंडर के अंदर यहाँ पर देखें जो 5 तारीख का हमने इसको लिंक सेट किया है ये इसके अंदर आ जाएगा, क्लास फिफ्थ मैथ्स चैप्टर 1 10 to 11 AM। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ज्वाइन विद गूगल मीट। आप इस पर अब क्या करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, और शेयर पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद जिस भी ग्रुप में आपको ये सेंड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप उस ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर जाने के बाद आप इसको पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा पेस्ट। अब आप देखें, आप इसमें कुछ भी टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर टाइम दे रखा है मंडे 5 जुलाई 10 से 11 AM, गूगल मीट ज्वाइनिंग जो लिंक है वो नीचे दे रखा है। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, चैप्टर का नाम भी इसके अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है जो आपने ऐड टाइटल पे क्लिक किया था, और आप इसको क्लिक कर दें, ठीक है, तो ये जो लिंक है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार आप इस लिंक से जो 5 तारीख का है, 5 से पहले यह लिंक ओपन नहीं होगा, और इस लिंक पर आपको 1 मिनट पहले ही आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा,
क्योंकि आप होस्ट हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तभी अन्य टीचर और बच्चे इसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये वीडियो थी, अगर कुछ समझ में ना आए कैसे इसको क्रिएट करना है कैसे नहीं करना है तो आप मेरा नंबर नोट कर लें 9813660300। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ 9813660300। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू। Doesn't even matter.